दोस्तों, 1 दिसंबर 2020 को परमैन के हैशटैग्स पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे? इन हैशटैग्स पर कितने ट्वीट्स हुए? क्या ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल? और क्या फिर कभी ऐसा कोई कैंपेन आयोजित होगा? तो इस वीडियो में इन सभी सवालों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत गौड़ और आप देख रहे हैं परमैन के लिए बेस्ट वेबसाइट toonworld.co.in के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौड़ ब्रदर्स को। दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में यह डिस्कस कर लेते हैं कि इस कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, जब 2 जुलाई को पहली बार हैशटैग इंडिया वांट्स परमैन ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, उस समय ही परमैन फैंस नेक्स्ट कैंपेन के बारे में सोच रहे थे। तब हम लोगों ने 1 दिसंबर को कैंपेन करने के बारे में सोचा, क्योंकि 1 दिसंबर को ही परमैन के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो का बर्थडे है। वैसे तो आप सभी को 2 जुलाई के कैंपेन के बारे में पता ही होगा, पर अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो को देख लेना। इसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं, मतलब किस हैशटैग पर कितने ट्वीट्स हुए, कितनी रैंक तक गया, कब तक ट्रेंड करता रहा, इन सभी के बारे में। तो दोस्तों, परमैन के सभी हैशटैग सुबह 8 बजे से शाम 6-7 बजे तक ट्रेंड करते रहे और उन पर लाखों ट्वीट्स भी हुए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हैशटैग इंडिया वांट्स परमैन की। इस हैशटैग पर 1 दिसंबर को सबसे ज़्यादा ट्वीट्स हुए और सबसे ज़्यादा टाइम तक ये ट्रेंडिंग में रहा। हैशटैग इंडिया वांट्स परमैन पर 1 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए और ये 1 दिसंबर का 15th मोस्ट ट्वीटेड हैशटैग रहा इंडिया में, और इसकी हाईएस्ट रैंक रही 17th। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम इसे टॉप 10 में भी शामिल नहीं करवा पाए, पर इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन के बहुत से हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, जिसके कारण हमारे हैशटैग्स टॉप 10 में शामिल नहीं हो पाए, जबकि हमारे ट्वीट्स की संख्या 2 जुलाई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने हमारे हैशटैग्स को ट्रेंडिंग में देखा, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग उस दिन ट्विटर चला रहे थे। इसके बाद जिस हैशटैग पर सबसे ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं वो है हैशटैग परमैन न्यू सीरीज। इस पर 70,000 से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए और इसकी हाईएस्ट रैंक थी 28th। इस हैशटैग पर 70,000 ट्वीट्स आने से हम लोगों ने परमैन की न्यू सीरीज़ की डिमांड को भी अच्छी तरह रख दिया। इसके बाद हैशटैग जापान वांट्स परमैन सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ। जी हाँ, हैशटैग जापान वांट्स परमैन, ये हैशटैग जापान में तो ट्रेंड नहीं हो पाया, पर इंडिया में ये पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। इस पर 65,000 से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए। इसके अलावा हमारे बाकी सभी हैशटैग्स भी पूरे दिन ट्रेंड करते रहे और सभी पर 50,000 से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए। हैशटैग HBD फुजिको एफ फुजियो की हाईएस्ट रैंक थी 29th, हैशटैग वी वांट परमैन की हाईएस्ट रैंक थी 30th और हैशटैग बांग्लादेश वांट्स परमैन की हाईएस्ट रैंक थी 43rd। दोस्तों, अब बात करते हैं इस अभियान के पॉजिटिव इम्पैक्ट की। तो दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यही है कि डिज्नी इंडिया ने डायरेक्टली हमें रिप्लाई दे दिया। हम लोगों ने डिज्नी इंडिया से शिकायत की थी कि आपने परमैन मूवी टेलीकास्ट करने का वादा तो काफ़ी पहले ही कर दिया था, पर अभी तक मूवी टेलीकास्ट नहीं हुई। इस पर डिज्नी इंडिया ने कहा कि कौन जानता था कि ये अपडेट इतना ज़्यादा समय ले लेगी, पता है हमारी टीम आपके मैसेजेस पढ़ रही है और होपफुली आपको जल्दी एक अपडेट मिलेगी। तो इस मैसेज में डिज्नी इंडिया ने क्लियरली कहा है कि वो मूवी हिंदी में टेलीकास्ट करेंगे, और सच बताऊं तो हम में से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि डिज्नी इंडिया इतनी जल्दी इस तरह का रिप्लाई दे देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डिज्नी इंडिया की इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए या ये सिर्फ परमैन फैंस को दिया गया एक आश्वासन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारा ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल। तो दोस्तों, किसी भी कैंपेन के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होना उसके द्वारा तय किए गए टारगेट्स के अचीव होने या ना होने से होती है। तो दोस्तों, हमने लगभग हमारे सभी टारगेट्स को अचीव कर लिया। परमैन पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हुए, डिज्नी इंडिया ने हमें रिप्लाई दे दिया और बहुत से लोगों ने इस हैशटैग को ट्रेंडिंग में देखा। बस हम इसे उस लेवल तक ट्रेंड नहीं करवा पाए जितना हमने सोचा था। किसान आंदोलन के हैशटैग्स के कारण हमारे हैशटैग ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, ना ही न्यू सीरीज़ पर अभी तक कोई कन्फर्मेशन आई है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बड़े एनिमेज के हैशटैग्स पर भी इतने ट्वीट्स नहीं होते जितने हमारे कैंपेन में हुए थे, इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। परमैन कम्युनिटी आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंटरनेट पर। इसी के साथ हमारे इस कैंपेन की सक्सेस रेट 80% से भी ज़्यादा थी।
और ये सब आप सभी परमैन फैंस के डेडिकेशन के कारण ही संभव हो पाया। हम सभी ने अपना 100% दिया, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए सभी परमैन फैंस को जिन्होंने इस कैंपेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उन सभी यूट्यूबर्स को जिन्होंने इस पर वीडियो बनाया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अंत में ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फिर कोई परमैन कैंपेन होने वाला है। तो दोस्तों, अभी इस बारे में न तो कुछ डिसाइड हुआ है और न ही कुछ शुरुआत की है, इसलिए कुछ समय तक रिलैक्स हो जाओ। जब भी कोई कैंपेन आयोजित होगा तो आपको गॉड ब्रदर्स के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तब तक आप परमैन कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर परमैन फैन क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। परमैन से रिलेटेड इसी तरह के कुछ और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गॉड ब्रदर्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।